प्रियदर्शकाः, ज्ञानामृतपानं न केवलं विद्वज्जनैः एव अभिलष्यते, अपि तु विद्याध्ययनरताः बालाः युवजनाश्चापि तत्पानाय प्रयतन्ते। ऋचि, एतदर्थमेव च देशविदेशेषु विविधविद्यापीठानि कार्यरतानि सन्ति। भारते च तावत् अग्रे गण्य केन्द्रीयविद्यापीठेषु अन्यतमम् अस्ति दिल्लीस्थः जामिया मिल्लिया इस्लामिया इत्यभिधेयो विश्वविद्यालयः। विविधभाषाणाम् अध्ययनार्थं ख्यातिं गतेऽस्मिन् विश्वविद्यालये प्रायः एकवर्षपूर्वं संस्कृतभाषायाः अपि उच्चस्तरीयम् अध्ययनम् अध्यापनं च आरब्धम्। प्रियदर्शकाः, संस्कृतसन्दर्भे कीदृशाः सन्ति तत्रत्याः अनुभवाः इति विषये अस्मदीयवार्ताहरेण जामिया मिल्लिया इस्लामिया कुलपतिना प्रोफेसर तलत अहमदेन सह सम्भाषितम्। आज हम एक ऐसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालय में हैं जिसमें संस्कृत विभाग की स्थापना को एक वर्ष हुआ है। जी हाँ, हम हैं आज केंद्रीय विश्वविद्यालय जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में, और हम आज बात करेंगे यहाँ के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर तलत अहमद जी से। सर, मैं आपका वार्तावली में स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय केवल उर्दू, फारसी या जर्नलिज्म, इसके लिए जाना गया है। इसमें संस्कृत विभाग की स्थापना का आपके मन में बीज रूप सबसे पहले कब आया? जामिया एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है और इसमें भारत के सारे लैंग्वेजेस की पढ़ाई हो रही थी और इवन बाहर के भी लैंग्वेजेस की पढ़ाई हो रही थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि संस्कृत का विभाग यहाँ पे नहीं है, इसकी पढ़ाई नहीं होती है। और मैं यहाँ आने से पहले मैं कुलपति था कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे भी काफ़ी बड़ा एक डिपार्टमेंट है संस्कृत का। तो मुझे ये लगा कि साहब यहाँ तो होना ही चाहिए, और ताकि ये जो है वो सारे लैंग्वेज जब भारत के यहाँ पे हैं तो संस्कृत का ना होना जो है वो आश्चर्यजनक था। संस्कृत को एक भाषा के रूप में आप कैसे देखते हैं? देखिए, संस्कृत जो है वो दुनिया के सबसे पुरानी लैंग्वेजेस में से एक है और उसमें बहुत सारी लिटरेचर्स हैं जो हम लोगों के पुराने कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है, और साथ में बहुत सारे हमारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो संस्कृत में है। यहाँ पे हमारा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जैसे हिस्ट्री का है मान लीजिए। अब हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में अगर आप कोई भी स्टूडेंट अगर वो पीएचडी करता है एंशंट हिस्ट्री पे, तो बहुत सारी लिटरेचर जो है वो संस्कृत में होगी। उसी तरह से मिडिवल हिस्ट्री जो होती है उसमें ज़्यादा आपको पर्शियन और उर्दू की भी आपकी तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर संस्कृत का डिपार्टमेंट रहता है तो वो एक एडवांटेज होगा। आप जानते हैं, एक किसी विश्वविद्यालय में एक विभाग की स्थापना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य होता है और बहुत ही लंबे अरसे में ये कार्य संपन्न होता है, लेकिन आपने यहाँ जामिया में बहुत ही शीघ्र इस विभाग की स्थापना की। इस दौरान आपके क्या अनुभव, किन लोगों से मिलना हुआ, किन संस्कृत के विद्वानों का सहयोग रहा इसमें? देखिए, सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैं वाइस चांसलर बन के यहाँ आया था तो हमारी बात उस वक्त जो HRD मिनिस्टर थी हमारी सुमित्री रानी जी, उनसे भी हमने बात की कि सारे डिपार्टमेंट हैं संस्कृत नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो भी यहाँ पे हो, और उन्होंने उसको काफ़ी पॉजिटिवली लिया और मुझे कहा कि आप अप्लाई करवाइए, जो रास्ता होगा हम निकालेंगे। फिर UGC को हमने अर्जी डाली और वो अप्रूव भी हो गया, तो वो प्रोसेस फिर स्टार्ट हो गया। फिर हमने बहुत सारे जो बहुत ही मशहूर लोग हैं, काफ़ी जाने माने भारत में संस्कृत के, तो वो सभी का मुझे सहयोग मिला इसमें। संस्कृत विभाग में आपके यहाँ कौन कौन से मुख्य पाठ्यक्रम कोर्सेज हैं? कोर्सेज जो है, जैसे यहाँ पे देखिए वैदिक स्टडीज़ का है, वैदिक एंड क्लासिकल लिटरेचर है, उसके अलावा आपके ग्रामर है, इंडियन फिलोसफी है, और जो बहुत कम जगहों पढ़ाई जाती है वो भी, जैसे मैंने क्रिप्टोलॉजी, सेल्फ मैनेजमेंट इन गीता,
और इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और साथ में हमारी कोशिश ये भी है कि दूसरे लैंग्वेजेस से भी इसका एक कनेक्शन रहे, तो हमारे जैसे पर्शियन डिपार्टमेंट है, उर्दू डिपार्टमेंट है, इनसे भी इन लोगों का जो है वो इंटरेक्शन होता रहता है। ऐसे भी कोई कोर्स हैं जो अन्य दूसरे विभाग के छात्र आकर संस्कृत ले रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसीलिए खोला है कि जैसे हमारे यहाँ पे जर्नलिज्म में हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, हम चाहेंगे कि इवन संस्कृत में भी यहाँ से लोग निकलें। अन्य भी पूरे भारत में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारी जगह संस्कृत अभी नहीं है जी, लेकिन उस मामले में जामिया एक मार्गदर्शक के रूप में उभरा है, एक पहचान अपनी बनी है, तो अन्य विश्वविद्यालयों के भी आप के लिए आपका कोई संदेश? मैं यही कहूँगा, दूसरे भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या दूसरे स्कूल्स हैं जहाँ पे ये पढ़ाई नहीं होती है, जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने कल्चर को, हमारे अपनी जो विरासत है उसको समझने में बहुत बड़ा मतदान होगा अगर हम संस्कृत को बढ़ावा दें और उसे दूसरे जो हमारी विरासत है सबसे मिलाकर उसको चलाएं। डीडी न्यूज़ के सर इस विशेष कार्यक्रम वार्तावली में हमसे संवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।